हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है मोशन का लेक्चर नंबर सेकंड आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में चलिए शुरू करते हैं सबसे सब पहले यूनिफॉर्म मोशन अब बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन वैन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसिज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जाम्पल अब बॉडी मूविंग एट अ कॉन्सटेंट स्पीड इज सेट टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड एक गिवन स्पीड से चल रही है वही यूनिफॉर्म मोशन में होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन वैन इट ट्रैवल्स अन एकक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब कि जब वो अन एकक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है गिवन अमाउंट ऑफ मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में फिर स्पीड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम स्पीड होती है जो डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के अंदर अंदर फार्मूला नहीं होता है एवरेज स्पीड निकालने का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज़ वी इक्वल्स टू एस बाई टी ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन सिंपल वर्ड्स वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब जितना बॉडी ने डिस्प्लेस किया गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में उसको वेलोसिटी बोलेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि v इक्वल्स टू एस अपॉन टी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टू एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज होगी गिवन टाइम में उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू यू बाय टी मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम